तो शाह साहब मुझे ये बताएं, ये कौन सा मॉडल है प्राडो? ये TZ है, जी 97 मॉडल है, सात अच्छा का कोटा है इसका, सात की रजिस्टर्ड है, इस्लामाबाद का नंबर है। अच्छा हाँ डीजल है। अच्छा डीजल है, इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है और साथ 97 मॉडल है सर, हाँ जी 97 और मॉडल है, फुल ऑप्शन ऑटो है फुल ऑप्शन है, जी। ऑटो गियर। तो शाह साहब इसका जो है, यानी कि मुझे बोनट खोल के दिखाएं, मेरे नाजरीन इसका इंजन वगैरह देखें कैसे है। टायर वगैरह भी काफ़ी माशाल्लाह ठीक हालत में न्यू है, यानी कि। तो शाह साहब इसकी जो ड्राइवर साइड वाली या विंडो, उसको ओपन करके नाजरीन को थोड़ा दिखा रहा हूँ। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि विंडो की क्या पोजीशन है। फुल ऑटो प्राडो है जी, ब्लू कलर में माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बॉडी की सारी जेन्युइन, बॉडी सारी इसकी जेन्युइन है, शाह साहब ने मुझे बताया। हमारी आवाज़ है बिल्कुल शाह जी। हाँ जी नाजरीन देखें, आपको स्टेयरिंग, उसका जो ब्रेक पैड है, डैशबोर्ड है, उसका मीटर है, वो माशाल्लाह काफ़ी जी। नाजरीन आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि गाड़ी का जो अंदर से रूम है और जो फ्रंट सीटें दिखा रहा है वो भी ठीक है। ने गाड़ी देखी है, गाड़ी के व्यू देखे हैं, तो माशाल्लाह देखने में गाड़ी बहुत प्यारी है। प्राडो ब्लू कलर में, जैसे कि आपने बताया 97 मॉडल है, फुल ऑटो है। तो शाह साहब आपकी क्या डिमांड है, कितनी प्राइस है इसकी, मेरे नाज़रीन को ज़रा बता दें। ये इसकी प्राइस डिमांड जो है ना वो 35 लाख है। अच्छा 35 लाख। हाँ जी 35 लाख पे, यानी कि कोई अगर लेना चाहे भाई नाज़रीन जो हैं उसको डिस्काउंट वगैरह। हाँ इसमें कमी बेशी हो, जब शोरूम पर आएँगे तो कमी पेशी भी हो सकती है। हाँ हो सकती है, कमी बेशी हो सकती है। तो नाज़रीन आपने देखा है मेरे साथ BBC कार सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे सैयद गुलाम बास, वो थे, उन्होंने मुझे तीन गाड़ियों के बारे में इंट्रोड्यूस किया, तफसीलन नाजरीन के साथ बताया। तो लास्ट में इनसे मैं अपने नाजरीन के लिए इनको बोलता हूँ कि वो अपना नंबर बता दें, तो जो मेरा कैमरा मैन जो है स्क्रीन पे भी चला देगा। और वैसे भी शाह साहब आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो क्या नंबर है, ज़रा नाजरीन को बता दें। जी 0303 जी 530 93 61 जी। नाज़रीन आपने सुना है, नंबर उन्होंने बताया। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम के साथ चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी।